देश में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। वहीं गहलोत सरकार भी विभिन्न गांधीवादी कार्यक्रम, गोष्ठियां और प्रदर्शनियां आयोजित कर रही है। ऐसे में जयपुर घराने के संगीतकार भी महात्मा गांधी को याद करने में पीछे नहीं है। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संगीतकार संजय खान और तबला वादक अमृत हुसैन इन दिनों जयपुर में हैं। हाल ही में इन्होंने फ्रांस में महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए जय को पियानो प्लेयर अर्नोद रग्गी के साथ मिलकर तैयार किया। संजय खान वैसे तो शास्त्रीय सूफी और राजस्थानी संगीत के महारत हासिल लगते हैं, लेकिन तराना गांधी के जरिए उन्होंने पूरब और पश्चिम के मिलन को साकार किया। साथ ही महात्मा गांधी के अहिंसा और भाईचारे के संदेश को दुनिया भर में एल्बम के जरिए ले जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से अपील की है कि इसे अपने संग्रह में शामिल कर मंच भी प्रदान किया जाए। जैसे हम सभी जानते हैं कि समय पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल का है, और मैं ये मानता हूँ कि संजय खान जी ने जो ये वैष्णव जन गीत चुना है, सबसे पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को शांति का, एकता का और प्रेम का संदेश दिया है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित है, और उनके मैं ये मानता हूँ कि उनके विचारों को इतना पढ़ा जाता है, उन पर चलने की कोशिश की जाती है पूरी दुनिया में, जहाँ फ्रांस में भी या इटली में, जर्मनी में, जहाँ कहीं जाते हैं। तो खास करके इस गाने को इसलिए क्योंकि ये समय ऐसा है कि पूरी दुनिया को एक एकता का और प्रेम का संदेश देने की ज़रूरत है। जब मैं 2 अक्टूबर को लिस्बन गया था, तो वहाँ मैंने ये गाना लिस्बन में गाया और सिखाया लोगों को, तो बड़ा ही लोगों को पसंद आया। और तो फिर मैं फ्रांस वापस आया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे रिकॉर्ड किए करें। और फिर मैंने आर्नो, जो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, बहुत अच्छे नामचीन कलाकार वहाँ के आर्नो, उनके साथ मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया, और वहाँ ही मैंने ये जो वीडियो लॉन्च